श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, श्री बिट्टू चौहान जी हमारे पूर्व विधायक, और जिन्होंने लगातार कई सालों तक इस तराई क्षेत्र से, काशीपुर से उत्तराखंड की विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया है, मेरे अभियोग आदरणीय हरभजन सिंह सीमा जी, श्री राम मल्होत्रा जी, डॉक्टर गिरीश जी, श्री दीप जी एवं मंच पर आसीन सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के हमारे जिलाधिकारी श्री उदयराज जी, एसएसपी श्री मंजूनाथ जी एवं आज यहाँ पधारे विभिन्न विभिन्न संगठनों के हमारे सभी प्रतिनिधिगण, सभी आए हुए मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों ने आज इतनी बड़ी संख्या में आकर पूरे रास्ते भर हेलीपैड से लेकर यहां पहुंचने तक आपने जिस प्रकार से मेरा और हम सभी का यहां पर स्वागत किया, अभिनंदन किया, अपना आशीर्वाद दिया, मैं भी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये तराई की पावन भूमि, जब से यहाँ हमारे प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने और दशमेश श्री गुरु गोविंद सिंह साहब के चरण पड़े थे, तभी से ये धरती लगातार फलती फूलती रही, लगातार आगे बढ़ती रही, और इस धरा को लगातार हमारे गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। इस पावन धरा को सींचने का काम हमारे सिख परिवारों ने भी बड़ी मेहनत से किया, अन्य क्षेत्रों से आए हुए, पूर्वांचल से आए हुए, बंगाल से आए हुए, अनेक अनेक हरियाणा, पंजाब, अनेक स्थानों से आकर इस धरा को लगातार लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। ये सही मायने में कहिए तो एक लघु भारत अगर कहीं बसता है तो हमारे इसी तराई में बसता है। अगर मिनी भारत के स्वरूप कहीं दिखते हैं, मिनी भारत कहीं दिखता है, लघु भारत कहीं दिखता है, तो ये हमारी बाजपुर की धरती, ये काशीपुर की धरती, यहां से लेकर रुद्रपुर और खटीमा तक की धरती में दिखता है। यदि मैं कहूं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत परंपरा को कोई जीवंत रखने का काम करता है तो ये तराई की धरती है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, आज जिस तरह से हमारे सभी गुरुओं ने, चाहे गुरु नानक देव जी हो, चाहे दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी हो, या हमारे अन्य मतों में मानने वाले जिन्होंने भी हमको प्रेरणा देने का काम किया है, उन सभी की मैं बात करूं तो उन्होंने हमेशा मानवता का पाठ हमको पढ़ाया है कि किस प्रकार से मानवता होती है, किस प्रकार से काम किया जाता है। उसी को ध्येय वाक्य मानकर, उसी को एक संकल्प मानकर अगर कोई काम कर रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचाने का काम हो रहा है, सुविधाएं पहुंचाने का काम हो रहा है, और हर योजना का लाभ हर एक व्यक्ति को मिले उसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। आज हमारी सरकार योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो गरीबों के लिए योजनाएं की जा रही हैं, जो नई नीतियां लाई जा रही हैं, उसी का परिणाम है कि इस बिल्कुल कड़कड़ाती धूप में, चिलचिलाती धूप में भी आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आप सबका ये जन सैलाब, ये वास्तव में हम सब लोगों के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक प्रेरणा से कम नहीं है। आपका ये उत्साह और उमंग देखकर निश्चित रूप से पूरे दिन भर कई सारे कार्यक्रमों के बाद आप सबके बीच में आए, लेकिन आपने ऊर्जा से पूरी तरह से हमको फिर से भर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास के मूल मंत्र के साथ आज हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिस वर्ग के लिए काम नहीं हो रहा हो, और इनके 10 साल के कालखंड में आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर अभूतपूर्व रूप से